विज्ञापन से रिलेटेड कोई भी जानकारी जो है ईहा की तरफ से न्यूज़लेटर में या ईहा की तरफ से ही कंफर्मेशन या इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, ठीक है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट का जो सेगमेंट है वो ईहा के पास है और यहाँ पर जो है ईहा से आपको सीधे संपर्क आप कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, सारी चीजें वो आपको मेल पे रिप्लाई करेंगे। लेकिन सभी को पता है कि कुल मिला के अभी वेट करना है कुछ समय का, जब वो शुरू हो जाएगा ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें डिस्क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहां पर एक चीज बता दूं, अमेरिकी शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है लगातार, अधिक जानकारी जो है समाचार पत्र में जो भी न्यूज लेटर आएगा उसमें आने वाली है, क्योंकि इस शेयर बाजार में लिस्टेड करना ये कोई मजाक नहीं है, इस पूरी प्रोसेस में टाइम लगता है और इन सब जो भी समय लग रहा है दोस्तों आपके हमारे अच्छे के लिए ही लग रहा है। जितना समय लग रहा है कंपनी उतनी मजबूत स्थिति में आती जा रही है, उतनी अपने आप को परिपक्वता यहाँ पर जो है वो दिखाते जा रही है, किस तरीके से कंपनी हार्ड वर्किंग कर रही है बैकग्राउंड में, ठीक है। देखिए जो लोग नेगेटिव हैं, जिनको बस पिन करने की आदत है, ऐसे लोगों की कमी नहीं है यहाँ पर, ऐसे बहुत लोग हैं, उल्टा सीधा कुछ भी कमेंट करेंगे, गलत तरीके से बातें करेंगे, गलत तरीके से जानकारी देंगे, और मतलब उनको उन बेवकूफों को ये नहीं पता है कि इतने समय से, 2 साल से यदि कोई कंपनी स्टार्टअप कंपनी है अपना प्रोसेस बैकग्राउंड में पूरा काम कर रही है तो वो क्या 2 साल से वैसे ही यहाँ पर पागलों की तरह मेहनत कर रही है। इतने लाखों करोड़ों लोग पागल है जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं, इतना कम्युनिटी, इतनी बड़ी कम्युनिटी, इतने बड़े 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 लीडर्स, इतने बड़ी बड़ी कंट्रीज के लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, फिर भी ऐसे लोग जो है जबरदस्ती है, फ्री वाले, कोई टीम नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उंगली करने की आदत है। लेकिन जो व्यक्ति पुराना है, जो 2 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, वो उनको पता है कि इसकी पोटेंशियल क्या है, इसकी पावर क्या है। तो जो स्टार्टअप कंपनी को समझ पाएंगे वही इस चीज को अच्छी तरीके से फील कर पाएंगे और समझ पाएंगे, अदरवाइज तो किसी के लिए भी कुछ नहीं है, बस यही बोलते रहेंगे शुरू नहीं हुआ, बकवास है, बोगा से। अरे भाई यदि कंपनी इस तरीके की होती तो इतने अपडेशंस भी नहीं आते, ना ही कुछ होता, ना ही कुछ प्रोग्रेस होती, कुछ भी नहीं होता, कंपनी वैसे ही अपना यू टर्न लेके बैक हो जाती, आप लोग कुछ भी नहीं कर पाते, ये हकीकत बता रहा हूं मैं। यदि कोई ऐसी कंपनी गलत काम कर देती है, लोगों का पैसा फंसा देती है और वो बंद हो जाती तो क्या कर लेते हैं आप लोग बताइए? ये बोलते हैं कि आई थी, ले गई, डूब गई, भाग गई, एग्जाम्पल देते फिरते, हमने तो बहुत कंपनी में लगाया, भाग गई भाग गई, तो आप लोगों ने कुछ किया क्यों नहीं जब भाग गई तो? लेकिन ये कंपनी तो आपके सामने खड़ी है, आप लोगों के बिल्कुल एक स्टेप बाय स्टेप हर चीज की जानकारी दे रही है। ये जो शेयर है, ये जो जाका टोकन है, ये जो शॉपिंग पोर्टल है, विज्ञापन सेक्टर है, ये कोई गलत और झूठ और मजाक नहीं है, ये सब कुछ रियल है और इंटरनेशनल लेवल पर रजिस्टर्ड है। इस बात को समझें, इस बात को समझें। हम इंडिया के लोग सिर्फ नेटवर्कर की तरह बात करते हैं कि बस यहां से ये लोग जोड़ दिए, पैसे मिल जाए और कुछ नहीं, बस बस मतलब सोच ही इतनी छोटी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसे लोग जो है वो भैया ना वीडियो को भी ना देखें, ऐसे लोग जो उल्टे सीधे कमेंट करते हैं कि बकवास है, ये फालतू की बाजी है, ये उल्टा सीधे शब्द यूज करते, तो आप देखते क्यों यार वीडियो? जब आपको पता है बकवास बाजी है, फालतू, तो आप देखो ही मत, छोड़ दो, इग्नोर करो ना, आप जाओ दूसरी जगह काम करो, कोई जरूरत नहीं यहाँ पर आपको काम करने की। तो जो ऐसे लोग हैं उनका तो कुछ नहीं कह सकते, और जो जो लोग सीरियस हैं, जो काम कर रहे हैं, वो वाकई में उनको पता है कि इसका पोटेंशियल क्या आने वाले समय में। दोस्तों समय बदल चुका है, बदलाव लाना जरूरी है, अगर नहीं बदलेंगे तो नहीं समझ में आएगा। बदलाव कैसे आएगा? नई नई टेक्नोलॉजी को आपको सीखना होगा, समझना होगा, आपको टोकन, क्रिप्टो करेंसीज, ये सब चीज, अब जैसे हमारे भारत में जो है क्रिप्टो को भी तवज्जो दी जा रही है, भारत का भी अपना एक क्रिप्टो लॉन्च होगा, तो ये सब चीज क्या हो रही है आप लोग खुद देखिए ना। यदि ये सारी चीजें हो रही है तो आपके फायदे के लिए हो रही है और आप लोग बहुत तेजी से गतिशील दुनिया के अंदर बहुत तेजी से आप लोग अपने आप को आगे बढ़ता पाएंगे, यदि आपने अपने आपको सही समय पर अपडेट नहीं किया तो। कर लिया तो आप आगे बढ़ते हुए अपने आपको खुद को देखेंगे कि हम क्या थे, हमने यहां से क्या क्या सीखा। जा लाइफ ने बहुत कुछ सिखाया दोस्तों हमें, मुझे भी कुछ नहीं पता था, लेकिन इतनी सारी चीजें, इतनी सारी बातें जा लाइफ के माध्यम से सीखने को मिल रही कि हम इंडिया में रह के इंडिया के बाहर की नॉलेज तक हम लोगों को पता हो गई, हमें एक एक चीज का नॉलेज हो रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत बड़ी बात है, सीखने वाली बात है। दोस्तों अचीवमेंट जो 3 मिलियन का कंपनी का था वो कंपनी ने पूरा किया, ईहा रजिस्ट्रेशन 1.5 मिलियन का टारगेट था वो कंपनी ने पूरा हुआ, शेयर का जो इनका पूरा जो टारगेट था वो इन्होंने पूरा किया।